हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करेकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसवीएम कानपुर को लेकर। यार प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी केजीएमसी लखनऊ पे, उसमें भी ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ बताई थी और जो भी स्टेट कोटे की कट ऑफ थी वो भी आपके साथ शेयर की हुई थी। अब मोस्टली है क्या कि इन कॉलेज की हम बात इसलिए करने स्टार्ट कर देंगे वन टू वन कॉलेज, बिकॉज अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो यार एक गुड न्यूज़ है, इस बार की कट ऑफ यूपी में काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने वाली है। उसका रीज़न है क्योंकि 14 न्यू मेडिकल कॉलेज एड ऑन होने वाले हैं। पहला रूल तो ये है ना, पहला एक तरीके से गुड न्यूज़ ये। दूसरा ये कि काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी 50% सीट की जो फीस रिलैक्सेशन की बात चल रही है वो भी एक सेकेंड प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन यार फिर भी एक अच्छे कॉलेज की अगर जब भी बात की जाती है तो केजीएमयू और जीएसवीएम कानपुर की बात जरूर, एक प्रियोरिटी अगर कभी भी रखना होता है तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं केजीएमसी या तो फिर जीएसवीएम, जब केजीएमसी नहीं मिलता है। लेकिन रिसेंटली एक कॉलेज यार बीच में और टैकल करने लगा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ आरएमएल। तो यार नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत ही जल्द यूपी के अंदर जो टॉप 10 कॉलेज हैं तो वो उसकी एक पूरी लिस्ट मिलेगी और वन टू वन भी आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम जीएसवीएम कानपुर की बात करें यार, तो इंडिया के अंदर एक जब भी कभी ओल्ड मेडिकल कॉलेज की बात की जाती है, ओल्डेस्ट वन में से, तो आपको जीएसवीएम कानपुर जरूर मिल जाएगा। दूसरी यार यूपी के अंदर आपको बता दिया सेकंड नंबर पे आज भी एक स्टेबल है, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक हॉस्पिटल है जो एकदम फ्रंट में है हैलट का, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस वगैरह करने में काफ़ी ईजी हो जाती है। बिकॉज लास्ट ईयर एक कैंडिडेट की इंजीनियरिंग की काउंसलिंग थी, उस टाइम पे उसके जो ब्रदर थे वो जीएसवीएम से थे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो एक एक्चुअल जो रिपोर्ट होती है वो मिल पाती है। तो उन्होंने फिलहाल ओवरऑल फीडबैक प्रैक्टिस के टर्म्स में बहुत अच्छा दिया हुआ था। अब आ जाते हैं कि स्टेट कोटे की कट ऑफ कितनी गई हुई थी लास्ट ईयर। अब यार यहाँ पर राउंड टू तक ही क्यों दिख रहा है, मॉपअप राउंड क्यों नहीं दिख रहा है? तो मैं बोलूँगा यार मॉपअप राउंड तक इसमें कभी भी सीट्स नहीं बचती हैं। कभी ऐसा हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी कि बच्चा स्टेट कोटे की सीट अपना लीव करके ऑल इंडिया कोटे में चला जाए, तो वो वैकेंसी हो सकता है मॉपअप में आ जाए, रेस्ट ऑफ इट ऐसा आपको मिलेगा नहीं। हाँ, जो 99% जो सीट्स होती हैं 99.99% वो आपको राउंड वन में फिल हो जाती हैं। हार्डली कुछ 5% के आसपास जो कैंसलेशन होता है राउंड वन में, जो नॉन रिपोर्टिंग होगा या अपग्रेडेशन होता है, तो वो आपको यहाँ पे राउंड टू में वो सीट्स अलॉटेड देखने को मिल जाती हैं। जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 5575 रैंक तक मिला था। इस अगर नंबर के टर्म्स में बात करेंगे तो 640 मार्क्स तक आपको जीएसवीएम अगर चाहिए तो फिर आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 6731, इट्स मीन की 636 मार्क्स चाहिए, मतलब थोड़े से एक रिलैक्सेशन 10% का आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओबीसी में अगर आप देखोगे तो देखो राउंड वन में तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर गई है, लेकिन अगर आप राउंड टू में ये देखेंगे तो जल्दी से क्लोज कर गया है। तो ये मेडिकल की काउंसलिंग में अक्सर देखने को मिल जाता है कि जो भी आपको अलॉटमेंट मिलनी है वो यार राउंड वन में आप फोकस करके रखो। आप ऐसा मत करिए कभी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आपने सिर्फ केजीएमयू डाला, जीएसवीएम नहीं डाला, तो हो सकता है फिर आपको केजीएमयू भी ना मिले, जीएसवीएम भी ना मिले, कोई फिर नीचे ग्रेडेड के कॉलेज पे आपको आना पड़े। तो इसलिए एक प्रॉपर एक प्रेफरेंस कुछ कॉलेज ऐसे लेकर चलो, दो तीन टीयरिंग में चॉइस फिलिंग करो कम से कम। इधर ऊपर के कॉलेज हो गए जो हमको एक मिलने की पॉसिबिलिटी जिनकी कम है, फिर एक जो प्रीवियसली कट ऑफ के भी यहाँ पर एकदम सेफ जोन आ रहा होगा, फिर कुछ लोअर वंस, कुछ बैकअप ऑप्शन भी लेकर चलो ताकि कभी कभी कट ऑफ अगर अब चली आती है तो हमारे पास में कोई एक कॉलेज अलॉटमेंट होकर रहे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो आपको 68760 रैंक तक, 519 मार्क्स तक यहाँ पर गया, 512 मार्क्स तक गया है। एसटी की बात करेंगे 377 तक यहाँ पर मिल गया है, काफ़ी एक्सटेंशन आया है इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे तो, है ना। तो ये यार कट ऑफ्स थी स्टेट कोटे की। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये कट ऑफ्स हैं जो कि यूपी डीजीएमई हमारे उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराता है। अब बहुत सारे लोग अदर स्टेट से होंगे तो वो चाह रहे होंगे सर हमारे लिए क्या होगा, तो उनके लिए आगे बने वीडियो कट ऑफ्स बताई हुई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो लोग होम स्टेट से उनके लिए ये है कि यार देखो, एक तो होम स्टेट का डोमिसाइल एलिजिबिलिटी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हमको कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे या डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि कितने भी मेडिकल कॉलेज न्यू बढ़ जाएं, कितने भी कॉलेज, लेकिन जीएसवीएम की कट ऑफ में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कट ऑफ में, केजीएमसी की कट ऑफ में, या जो ऊपर के टॉप 5-10 कॉलेज हैं उस पर बहुत ज़्यादा अप डाउन्स नहीं देखने, मतलब टॉप 5 में एकदम आप ट्रस्ट मी यार कि कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज गुड रैंकिंग कैपेसिटी स्टूडेंट तो उतने ही हैं, है ना। ये थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ ही जाना, कम नहीं होना है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग
ऑल इंडिया कोटे की 15% की कट ऑफ पे वीडियो जो है यहाँ पे राउंड वाइज सारी दे रखी है। इधर कैटेगरी है आपकी राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर, राउंड फाइव भी हुआ था, लेकिन कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। 15% जो सीट्स यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट हुई थी, एमसीसी की वेबसाइट से जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई थी, है ना। और जो पीछे की जो ये वाला है upneet.gov.in पर कंडक्ट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल कैंडिडेट, यार देखो मार्क्स के टर्म्स में हम ब्रीफ कर देंगे, अब रैंक आपको विजुअल आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 654, 641 तक गया हुआ है, 640 तक चला गया है, है ना। तो कहीं ना कहीं यार देखो 640 तक एक तरीके से आपको यहाँ पे एक सेफ, अगर स्कोरिंग के टर्म्स में बात की जाए, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो या कोई नाइबर स्टेट से हो गए तो देन मोस्टली तभी होता है कि हम यूपी के कुछ टॉप प्रीमियर कॉलेज में से कोई सिलेक्ट करें, तो वो आपको 5826 मार्क्स तक मिल जाएगा। EWS कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे 634, तो ऑलमोस्ट आप 7000 रैंक तक आप देख सकते हैं कि सेफ स्कोरिंग लेकर चलो। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी उम्मीद लगा रहे हो तो 6000 तक, है ना, और मोस्टली आप देखोगे तो 5500 के आसपास आपकी एकदम सेफ अलॉटमेंट निकल के आएगी। एक सीट यार यहाँ पर जो बची हुई है, मैं उसकी इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, 635 पे मिल गया था, तो काफ़ी 5 नंबर का एक डिफरेंस, एक मेजर गैप होता है, तो वो रेयरली यार किसी के कैंसिलेशन हुआ होगा। बहुत लास्ट में इस राउंड में देखो एक ही अलॉटमेंट आई, बाकी किसी काउंसिल मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं अलॉटमेंट है। ओबीसी में अगर हम बात करेंगे तो देखो यार 631, 637, 648, तो ओबीसी के लिए एक सेफ स्कोरिंग अगर आपको लेकर चलना है तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज वेरिएशन। अब ये यार इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, यहाँ पे 637 है, यहाँ पे 631 है, 6 मार्क्स का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब ओबीसी वाइज जब कोई चीज चेंज होती है, अब यहाँ पर देखो उतना ज्यादा अब यहाँ पर देखोगे ईडब्ल्यूएस में तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कैंसलेशन के बाद वेरिएशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे कैंसलेशन के बाद काफी वेरिएशन आया है, बिकॉज दोनों के रिजर्वेशन फैक्टर में डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अलॉट हो रहे होंगे वो सारे ओबीसी कैटेगरी के होंगे, राइट। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करोगे तो यार 506, 534, 5555। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे एससी कैटेगरी में आप 506, 534, तो यार एससी के लिए इतने मार्क्स काफ़ी होते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है नियर अबाउट में अलॉटमेंट तो अपने स्टेट की कट ऑफ देखो, आप स्टेट में टैकल कर सकते हो। हाँ, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज चाहिए, एक रेनाउंड कॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो, लेकिन सेफ स्कोरिंग मैं आपको 534 वाली ही बताऊँगा। अब ये तो एक यार एक्सटेंशन वाली बात है, बिकॉज रेयर हैं एससी के कैंडिडेट्स। एसटी में अगर आप देखोगे 66,400 तक गया हुआ है, यहाँ पर 66,483 तक मिल गया है, तो ऑलमोस्ट आप 522 इसकी स्कोरिंग, एक तरह की सेफ स्कोरिंग लेके चल सकते हो। ये ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ्स है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी आपको कैटेगरी वाइज बता भी दी है। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज़ आपको और भी बहुत ढेर सारे कॉलेज पर मिलने वाली है कट ऑफ्स को लेकर, तो कमेंट करके बताओ आपको किस कॉलेज पर वीडियो चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देन फिर सैफई वाले पे, इस तरह से 1x1 सारे कॉलेज हम लोग कवर करेंगे, देन फिर गोरखपुर का जो कॉलेज उस पर भी बनाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। बाय बाय।